भाजपा की झुग्गी सम्मान यात्रा आज पड़पड़गंज विधानसभा पहुंची। दिल्ली भाजपा समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी। जहां झुग्गी वहीं मकान हमारा दह, आदेश गुप्ता ने कही ये बात। अमित पात्रा बोले, कोरोना काल में जब मोदी सरकार गरीबों के लिए निःशुल्क राशन भेज रही थी, उस वक्त केजरीवाल सरकार उसके वितरण में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र के नेहरू कैंप, खिचड़ीपुर ब्लॉक 6-7-8 एवं शशि गार्डन झुग्गी कैंपों में सघन जनसंपर्क कर झुग्गी वासियों को आश्वस्त किया कि दिल्ली भाजपा समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी और जहां झुग्गी वहीं मकान हमारा ध्येय है। आज की यात्रा को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने नेहरू कैंप पर संबोधित कर प्रारंभ करवाया और शशि गार्डन में आयोजित हुई झुग्गी वासी सम्मान बैठक को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा व जयवीर राणा, मंत्री गौरव खारी, प्रवक्ता आदित्य झा एवं ब्रजेश राय, मयूर विहार जिला अध्यक्ष विनोद बछेती, जिला महामंत्री सुनील गुप्ता, संजीव चौधरी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रभारी नीरज तिवारी, पार्षद विपिन बिहारी सिंह, शशि चांदना, भावना मलिक सहित सभी अपेक्षित नेता एवं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। अपनी यात्रा के प्रारंभ में एकत्र जनों को संबोधित करते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली भाजपा समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी और जहां झुग्गी वहीं मकान हमारा ध्येय है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली अगर देश का दिल है तो झुग्गी कैंप दिल्ली का दिल है, क्योंकि यहां के रहने वाले दिल के विकास के पहिए को चलाते हैं। इन क्रम प्रधान झुग्गी वालों को सम्मान दिलाना मेरा लक्ष्य है। उनके मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच में आया है, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस देश के सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जब हमारी बहनें, हमारी माताएं जो झुग्गी झोपड़ी गांव देहात में रहती थी, उनको चूल्हे पर रोटी बनानी पड़ती थी, प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया सभी बहनों को, माताओं को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर कनेक्शन और चूल्हा मुफ्त दिया जाएगा। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये सुविधा मिली है और उसके दूसरे फेज में इस झुग्गी सम्मान यात्रा में भी ये योजना का लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। रेड़ी पटरी पर काम करने वाले लोग जो ब्याज पर पैसा लेकर अपना काम धंधा करते थे, कोई यूपी से आकर, कोई बिहार से आकर, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से, कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से आकर दिल्ली में अपनी रोजी रोटी करता था, उनको मोटे ब्याज पर पैसे लेने पड़ते थे। मोदी जी ने कहा हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, उन्होंने 10,000 रुपए तक के लोन की व्यवस्था की है, कोई गारंटी नहीं है, कोई भी किसी के पास कोई एमसीडी की पर्ची है वो 10,000 रुपए तक का एक व्यक्ति लोन ले सकता है। ये पीएम स्वनिधि योजना का भी इस झुग्गी सम्मान यात्रा में कार्यक्रम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना और इसके साथ साथ हर उस योजना, चाहे वो श्रम कार्ड हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, 5 लाख रुपए तक का इलाज सबको मिले, गरीबों को मिले, इसकी व्यवस्था मोदी जी ने की है। लेकिन दुर्भाग्य है दिल्ली सरकार का, गरीबों की दुश्मन बन गई है, इसने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को दिल्ली में रोकने का काम किया है, ये बात मैं आपसे कहने आया हूँ। आज की यात्रा नेहरू कैंप NH-24 से प्रारंभ हुई, जहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर समित पात्रा ने एकत्र जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि कोरोना काल में हमने देखा कि दिल्ली में स्थानीय सरकार में अरविंद केजरीवाल है, पर दिल्ली के विकास में और दिल्ली वालों की सेवा में केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ही दिखाई देती है। कोरोना काल में चाहे दिल्ली वालों को अस्पताल बेड उपलब्ध कराने हो या ऑक्सीजन या दवाएं, सब व्यवस्था केंद्र सरकार ने की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने विश्व में सबसे तेजी से काम कर भारत में 100 करोड़ निःशुल्क वैक्सीनेशन तक पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया और कहा कि इसका सर्वाधिक लाभ गरीबों को मिला है। प्रधानमंत्री साधारण परिवार से आते हैं, इसलिए गरीबों की समस्याओं को समझते हैं। सब व्यवस्था हमने कर दी, जैसे ही दूसरी वेव आई
और जैसे ही एक कोहराम का माहौल बना, क्योंकि 10-15 दिनों के लिए पूरे विश्व में माहौल बिगड़ गया, जिस प्रकार से वायरस फैल रहा था यह अपने आप में चिंता का विषय। तुरंत अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे थे सब कुछ हो गया है, वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ओर निशाना साधते हुए, मैं क्या करूं जी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये ऑक्सीजन तो मोदी जी मुझे नहीं दे रहे हैं, ये वैक्सीन तो मोदी जी मुझे नहीं दे रहे हैं, मुझे कुछ भी मोदी जी करने नहीं दे रहे। और जैसे जैसे सब कुछ फिर से ठीक होने लगा, मोदी जी ने कमान अपने हाथ में संभाल करके दिल्ली की परिस्थिति को ठीक कर दिया, फिर आ गए अरविंद केजरीवाल, फिर आ गए बड़े बड़े सिलेंडरों के बीच में फिर से पैदल पैदल चलना, वो फोटो निकालना और कहना देखो ये सब ऑक्सीजन मैंने ही मैं उत्पन्न किया। अरे आप में इतनी क्षमता थी ऑक्सीजन उत्पन्न करने की, तो आपको कोरोना के दूसरे महामारी के वेव के समय किसने रोका था? आप तो उस समय बोल रहे थे मोदी जी ने आपको रोक दिया ऑक्सीजन देने से, बाद में कह रहे थे हम ऑक्सीजन ले आए, उस समय कह रहे थे हमने वैक्सीनेशन की मांग की थी मोदी जी ने दी नहीं। अब मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से पूछता हूं, कल जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन होगा, दिल्ली के अधिकांश लोग जब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, झुग्गी झोपड़ी में हमारी बहने हमारे भाई सब वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, तो इसका श्रेय अरविंद केजरीवाल जी आखिर किसको देंगे, मैं कल का इंतजार करूंगा। क्या टीवी में आके अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धन्यवाद मोदी जी को देंगे, या सारा का सारा श्रेय खुद ले जाएंगे? मैं तो जानता हूं वो क्या करने वाले हैं, आप भी जानते हैं वो क्या करने वाले हैं। कल आप देखेगा पूरे पेज का इश्तिहार आएगा कि अरविंद केजरीवाल ने ही पूरे देश में वैक्सीनेशन कराया है। ये केवल और केवल विज्ञापन कर सकते हैं, जो कि झोपड़ियों में अभी विनोद नगर के मुझे वीडियो दिखाए गए, मुझे वीरेंद्र भाई जी ने वीडियो दिखाया कि किस प्रकार गंदा पानी घर के अंदर घुसा हुआ, लोग गंदे पानी का सेवन कर रहे हैं, गंदे पानी पी करके अपना जीवन बिता रहे हैं। अरे धिक्कार है। यही अरविंद केजरीवाल जी ने, याद करिए चुनाव के समय उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, जहां झुग्गी वहां घर, जहां झुग्गी वहां घर खड़ी हो जाएगी। मिल गया क्या आप लोगों को घर? मिल गया है सबको? नहीं, जोरदार तरीके से बोलिए, यहां मीडिया है, ये दिखाएगी टीवी में। क्या जहां आपकी नहीं मिला ना घर? प्रधानमंत्री आवास योजना मिला क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री देना चाहते हैं, जो लोग गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस अवसर पर सुनील देवधर ने अपने संबोधन में कहा कि जनधन बैंक खाता योजना से लेकर कोरोना काल में गरीबों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चल रही है और यही भाजपा की सफलता एवं बढ़ते जन समर्थन का मूल कारण है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से अभिषेक ब्याहुत के साथ रवि डालमिया की रिपोर्ट।